रुवा देख रहल बानी बिहार के डिजिटल क्रांति के जनक न्यूज बिहार के यूट्यूब चैनल भारत लाइव टीवी। केंद्र सरकार की नीतियों को लेकर के एक बार फिर से बिहार में बवाल बढ़ गया है। जैसा कि आप पहले ही जानते हैं कि इन सब बातों को लेकर के और केंद्र सरकार की बहुत सारी ऐसी नीतियाँ हैं जिसे लेकर के विपक्ष निशाना साधते रहा है। एक बार फिर से जैसे ही UPSC RTC के कंडक्टर पद के कट ऑफ मार्क का खुलासा हुआ, रिजल्ट सामने आए, झमेला बढ़ गया और इस बवाल को शुरुआत कर दिया है RLSP ने। RLSP के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने आज पटना में प्रेस वार्ता कर इस पूरे मामले पर अपना पक्ष रखा और सरकार पर जमकर हमला किया। उन्होंने प्रेस वार्ता में कहा कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के तहत UPSRTC के कंडक्टर के 1690 पदों पर हुई परीक्षा के कट ऑफ और संदेह के घेरे में है। जारी किए गए कट ऑफ में सामान्य श्रेणी का कट ऑफ OBC और SC से भी कम है। अभ्यर्थियों का भी आरोप है कि आरक्षण के नियमों के अनुसार ऐसा संभव नहीं है और नियमों के विरूप यह कट ऑफ जारी किया गया है। परीक्षा के आधार पर इंटरव्यू के लिए पाए गए अभ्यर्थियों की अलग अलग श्रेणी का कट ऑफ जारी किया गया है, जिसके अनुसार उन्होंने आंकड़ा देते हुए कहा कि सामान्य श्रेणी का कट ऑफ 220, वहीं OBC का 246 और SC का 242 है, जबकि ST का कट ऑफ 192 अंक है। ऐसी स्थिति में उन्होंने कहा है कि ये आरक्षण के नियमों के तहत कैसे संभव है। वहीं स्वतंत्रता सेनानी आश्रित का कट ऑफ 200, भूतपूर्व सैनिक का 128 और महिला अभ्यर्थियों का कट ऑफ 108 तक आया है। आरक्षण के नियमों के अनुसार यदि OBC का SC अभ्यर्थी सामान्य श्रेणी में चयनित होता है तो पहले उसमें उसे जगह दी जाएगी, उसके बाद आश्रितों और आरक्षित श्रेणी में रखा जाएगा। इन सब बातों को लेकर के उपेंद्र कुशवाहा ने जमकर केंद्र सरकार और केंद्र के मनसा पर भी सवाल उठाए। सुनिए क्या कहा उपेंद्र कुशवाहा ने प्रेस वार्ता में। सब याद बताता है कि अनरिजर्व कैटेगरी से ज्यादा रिजर्व कैटेगरी के लोगों को मार्क्स लाने पर नौकरी मिलती है। कई उदाहरण है जिसका साफ साफ अभी आपको कागज दिया जाएगा कि कहां कहां गड़बड़ी हो रही है। यह बड़े पैमाने पर गड़बड़ी है और एक साजिश के तहत ऐसी गड़बड़ी हो रही है। एक संकल्प प्रस्ताव यहां से राज्य की सरकार भेजे, नीतीश कुमार जी भेजे, बाकी तमाम राजनीतिक दल के लोगों से मेरी अपील है, मेरा आग्रह है कि सब लोग किसी न किसी रूप में पिछड़ों दलितों के हक की बात करते हैं, खासकर भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी पिछड़ा समाज से आते हैं, यह बात चुनाव के समय बहुत जोर जोर से बोलते हैं। आज क्या हो गया है इनको, पिछड़ा समाज से आते हैं, कहने भर से अब काम नहीं चलने वाला है। क्या हुआ सर, तबीयत खराब है? रिजर्वेशन नहीं होकर जिनको नहीं मिला हुआ रिजर्वेशन उनके लिए रिजर्वेशन हो जाता है, जिनको नहीं मिला है उनको 50% और जिनको मिला हुआ है 27, 10, 15 जो जिनको जितना मिला हुआ है। इस तरह का अन्याय हिंदुस्तान के इतिहास में जब से रिजर्वेशन लागू हुआ है तब से पहली बार हो रहा है और यह हो रहा है। नरेंद्र मोदी जी अपने को पिछड़ा समाज का कहते हैं, इसके बावजूद यह हो रहा है।
नीतीश कुमार जी यूसी रूप में अपने को पेश करते हैं, उसके बावजूद हो रहा है और फिर भी लोग चुप हैं। एक तो अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ ये एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।